हे नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, साथ ही साथ ओरल हाइजीन के लिए भी वो मेडिसिन पूरे तरीके से वर्क करेंगी। एक अच्छी स्माइल जो होती है वो जब आप स्माइल करते हैं तो वो स्वस्थ दांतों की निशानी होती है, तो आपके स्वस्थ दांत जरूर होने चाहिए। और जनरली दांतों में बहुत ज्यादा कभी कभी दर्द बना रहता है, दांत निकलवाने के बाद बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो दांत का दर्द भी बहुत ही भयंकर होता है जो पेशेंट सहन नहीं कर पाता है। उसकी भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा बताऊंगा, तो पांच इन दवाओं की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है कैमोमिला होम्योपैथिक मेडिसिन। कैमोमिला को डेंटिस्ट जो होते हैं, बीडीएस एमडीएस डॉक्टर्स जो होते हैं, वो भी इसको अपने क्लिनिक में जरूर रखते हैं। जब दांत में बहुत ही ज्यादा दर्द बना रहता है, गर्म पानी पीता है पेशेंट या फिर गर्म रूम में जाता है, तो उसकी कंडीशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है और दांत का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, रात के समय पेशेंट की जो सलाइवा है वो बहुत ज्यादा होने लगता है, यानी कि लार बहुत ज्यादा टपकने लगती है उसके मुंह से, यहाँ तक कि कॉफी पीने से भी पेशेंट को दांत दर्द शुरू हो जाता है, या फिर दांत निकलवाई है उसके बाद दांत का दर्द बना रह रहा है, तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैमोमिला को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका जनरली मदर टिंचर इस्तेमाल किया जाता है, पोटेंसी में बहुत कम इसको यूज किया जाता है। तो मदर टिंचर को क्यू से डिनोट करते हैं, कैमोमिला क्यू की। थोड़ा सा एक कॉटन लेनी है आपको छोटी सी, उसमें मदर टिंचर डालना है और जहां पर दांत में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, उसको दाढ़ में थोड़ी देर के लिए रख लेना है, या फिर दांत में दर्द हो रहा है तो दांत की तरफ उसको थोड़ी देर पर रख लेना है वहीं पर कॉटन को। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि चुटकी बजाते ही आपका दर्द जो है शांत हो जाएगा। बहुत से डेंटिस्ट इस मेडिसिन को रखते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है प्लैंटेगोमेजर। प्लैंटेगोमेजर का भी जनरली मदर टिंचर इस्तेमाल किया जाता है और ये भी दांत दर्द की बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन कब इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में लक्षण अलग अलग लक्षणों की अलग अलग दवा होती है, तो ठंडा पानी पीने से या कोल्ड ड्रिंक्स पीने से पेशेंट की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पायरिया की ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, पायरिया एल्बुलेरिस की, जिसमें क्या होता है मसूड़ों में बहुत ज्यादा पस बनता है और दांत अपनी जगह से बहुत ज्यादा ढीले हो जाते हैं। इसमें जो दांत का दर्द होता है वो कान से लेकर पेशेंट के दांत तक, दांत से लेकर कान तक जो बीच का हिस्सा है, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठंडी हवा के प्रति या ठंडे पानी के प्रति बहुत ज्यादा पेशेंट संवेदनशील होता है, तो प्लैंटेगोमेजर के अगर सबसे ज्यादा लक्षण मैच कर रहे हैं तो 10 बूंद इसकी दिन में 3 बार 10 से 15 बूंद ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी लेना है और उसको पी जाना है, कंडीशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी, यानी कि आपको बहुत ज्यादा आराम देखने का मिलेगा अगर आपके दांत का दर्द हो रहा है। तीसरी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है हेक्ला लावा होम्योपैथिक मेडिसिन। इसका भी हमारे जबड़े पर बहुत ही अच्छा सेंटर ऑफ एक्शन है, साथ में जब मसूड़ों में बहुत ज्यादा पस बनने लगता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और दांत का हिस्सा जो है एनामेल वाला पोर्शन जो होता है वो खत्म होने लगता है, तब हेक्ला लावा का इस्तेमाल किया जाता है। 3x में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 टेबलेट इसकी दिन में 3 बार आप ले सकते हैं ट्राइचुरेशन की पोटेंसी में। चौथी मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है कैलेंडुला होम्योपैथिक मेडिसिन। कैलेंडुला ऑफिसिनेंसिस का मदर टिंचर, जब किसी भी तरीके की हमारे मुंह में चोट लग जाती है वहां पर इसका मदर टिंचर आप कॉटन में लेकर थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये एक तरीके का एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फेक्टेंट है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को हमारे माउथ से दूर रखेगा और हमारे ओरल हाइजीन को ये बनाए रखेगा। पांचवी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इसके बारे में जाने तो वो है क्रियोसोट। क्रियोसोट होम्योपैथिक मेडिसिन, इसका भी मदर टिंचर इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी दांतों पर हमारे बहुत ही अच्छा सेंटर ऑफ एक्शन है। जब हमारे जो होठ हैं बहुत ज्यादा लाल पड़ जाते हैं, उससे खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, जब डिके ऑफ टीथ होने लगता है उसमें क्या होता है, हमारा इनामेल वाला पोर्शन जो होता है वो खत्म होने लगता है। होता क्या है, जब ओरल हाइजीन जो है कुछ लोग मेंटेन नहीं करते, खाने का बहुत ज्यादा पोर्शन हमारे छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो हमारे मुंह में रह जाते हैं, तो बैक्टीरिया के साथ उसकी रिएक्शन होती है और उससे बनता है एसिड। अब एसिड क्या करता है, हमारे दांत को डिस्ट्रक्ट करने लगता है, दांत को खत्म करने लगता है, तो एनामेल वाला पोर्शन हट जाता है, कैविटी बन जाती है और छेद की तरह से गहरे हो जाते हैं दांत अंदर से, और ये वाला पोर्शन जो होता है हमारे दांत का वो खत्म होने लगता है, तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। क्रियोसोट का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब पेशेंट का जो है टेस्ट जो होता है अलग हो जाता है, मुंह में उसको कोई टेस्ट नहीं आता और साथ में मुंह में बहुत ज्यादा बदबू बनी रहती है, तब भी क्रियोसोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 से 15 बूंद थोड़े से पानी में दिन में 3 बार इसके इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये थी 5 बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाएं। अगर आप उससे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप उससे कंसल्ट भी कर सकते हैं। चैनल बने हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।